सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें, शेयर करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए देखिए कॉफ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि ठंड का समय है, इसमें कॉफ़ी पीना सबको अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉफ़ी हम बिना मशीन का कैसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर लिए हैं और ये हमने पिसी हुई चीनी लिए है, क्योंकि ग्रैनुलेटेड जो शुगर होता है उसको हमें बीट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका बीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से ही कॉफ़ी का झाग बन जाएगा और आप बहुत इजीली कॉफ़ी बना के पी सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। और ये हमने यहाँ पे देखिए पानी लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखिए इस तरह से कॉफ़ी का मग लिए हैं, इसी में हम कॉफ़ी बनाएंगे। तो ये हम ये पूरा कॉफ़ी पाउडर हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे है 1 स्पून एंड हाफ स्पून, 1 एंड हाफ स्पून हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है। और ये हम पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम 4 स्पून पिसी हुई चीनी यूज़ करेंगे। देखिए 4 स्पून चीनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम इसमें सिर्फ 2 स्पून डालेंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में हम डाल सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे 2 स्पून हमने पानी डाल दिया। इसी स्पून से हमें इसको बीट करना है। ग्रैनुलेटेड शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और पिसी हुई चीनी से बहुत ही जल्दी हो जाता है। घड़ी देख के आप 3 से 4 मिनट के अंदर इसको आसानी से बीट कर सकते हैं और आप कॉफ़ी अपनी तैयार कर सकते हैं। एकदम झागदार कॉफ़ी तैयार होगी। तो इस तरह से हमको देखिए स्पून से ऐसे हिला के बीट करना है। हैंड बीटर है तो आप आराम से उससे भी बीट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको घर में कैसे बना सकते हैं स्पून से, तो उस तरह से हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से गोल गोल करके हमें इसे बीट करना। घड़ी देख के आप सिर्फ 3 मिनट तक इसको इस तरह से लगातार बीट करते रहिए, ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमा के इस तरह से हम बीट करेंगे। 3 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा सा झाग सा तैयार हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और झाग सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीट कर रहे हैं 3 मिनट में। आप देख सकते हैं हमने इसको लगातार 3 मिनट तक इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए लगातार हमने इसको बीट किया है स्पून से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। इस तरह देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी कॉफ़ी बनाते हैं। तो इस कॉफ़ी बनाने के लिए हमने इसको बीट तो कर लिया, अब हम दूध गर्म कर लेंगे। दूध हमारा देखिए पहले से बॉइल्ड है, तो हमने दूध को बॉइल करके रखा है। हम इस अलग कप में कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए हम इसकी क्रीम को हम इस तरह से डाल देंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपको कॉफ़ी पसंद है उस तरह से आप इसमें यूज़ करिए। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है तो 1 एंड हाफ स्पून इसका क्रीम लीजिए। तो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है इसलिए हमने इसमें 1 एंड हाफ स्पून यूज़ कर रहे हैं इसमें क्रीम, जो हमने इसको बीट करके बनाया है। इस तरह से रख लेंगे इसमें और एक ग्लास में दूध को हम खाली कर लेंगे। और इस तरह से देखिए इस तरह से लेके कॉफ़ी के मग को और दूध को इस तरह ऊपर से इसमें हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इतना झागदार कॉफ़ी हमारा ये तैयार हो गया बिल्कुल। और हम इसको क्रीम को इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कहीं भी वो एक जगह इकट्ठा ना रहे इसके लम्स क्रीम के। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं एकदम अच्छी सी कॉफ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनती है। इस तरह से बीट करके जो हम घर में बनाते हैं ये कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है। अब देखिए तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस से इसको डेकोरेट कर दे रहे हैं। मेरे पास चॉकलेट सॉस है तो इस तरह से चॉकलेट सॉस हम इसमें डाल के डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से देखिए आप भी इसमें चाहिए तो चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं या फिर कॉफ़ी पाउडर ऊपर से डाल सकते हैं या चॉकलेट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो फ्लेवर
वो आप डाल सकते हैं। हमारे पास चॉकलेट था तो हमने इसमें चॉकलेट मेल्ट कर दिया, और चॉकलेट डाल के इस तरह से आप चला दीजिए, चॉकलेट का भी पूरा फ्लेवर आ जाएगा। ये कॉफ़ी बहुत ही चॉकलेटी और एकदम झागदार अच्छे से कॉफ़ी हमारी बन के तैयार हो गई। तो ये देखिए, ये कॉफ़ी गर्मा गर्म चॉकलेटी कॉफ़ी हमारी तैयार हो गई। इस तरह से आप घर में बहुत ही आसानी से कॉफ़ी बना सकते हैं और इसको आप ठंडक में इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी पड़ जाने से कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी हो गई है। तो इस तरह से आप कॉफ़ी बनाइए और इन्जॉय करिए और चॉकलेटी हॉट कॉफ़ी पीजिए। तो आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, आपने अभी तक हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।